एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था। उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला। उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा। चने की एक दाल खूंटे में घुस गई, दूसरी को तोता खा गया। फंसी हुई दाल को निकलवाने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, आप खूंटा चीरकर दाल निकाल दीजिए। बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकालूं? तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारो। राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ कि बढ़ई को मारूं? तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो। राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहे। रानी बोली, तू भाग यहाँ से। फिर तोता सांप के पास पहुंचा और बोला, तुम रानी को डसो। सांप बोला, भाग यहाँ से। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डसे, रानी राजा को छोड़ दे और राजा बढ़ई को मारे तो बढ़ई दाल निकाले। तब लाठी बोली, जा भाग यहाँ से। तब तोता आग के पास गया और उससे बोला, लाठी को जलाओ। आग ने भी उसको भगा दिया। तब तोता पानी के पास गया और बोला, तुम आग को बुझाओ। पानी ने भी तोते को भगा दिया। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला, पानी को सोख लो। हाथी ने कहा, मुझसे नहीं होगा, और उसे भगा दिया। तोता तब चींटी के पास गया और बोला, चलो हाथी को चाबो। चींटी चली हाथी को चाबने। तब हाथी बोला, चींटी बहन तुम मुझे मत चाबो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। तब पानी बोला, हाथी भैया तुम मुझे मत सोखो, मैं आग बुझाने जाता हूँ। तब आग बोली, पानी तुम मुझे मत बुझाओ ना, मैं लाठी को जलाने जाती हूँ। लाठी बोला, आग तुम मुझे ना जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे ना डसो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोले, रानी तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। तोता दाल खाकर शहर